Good evening, students. Now today we'll see the new chapter, chapter 8, that is Introduction to Trigonometry, part 1. In this chapter, we'll see first see what is the meaning of trigonometry. So here I have drawn two figures for you to understand the meaning of trigonometry. See, in the first figure, what is given? The boy is looking at the top of the minar. So here it is imagined to form the right angle triangle. So ABC is imagined to form a right angle triangle. So can a boy find the height of the minar without actually measuring the height? Can the boy find the height of the minar? Now see the next. In next example, the girl is sitting on the balcony of her house, which is located on the bank of the river. Now she is looking down at the flower pot which is placed on the stairs of temple. Now if you know the height at which the girl is sitting, can you find the width of the river? Yes, we can find the width of the river. So here height or distance can be found by using some mathematical techniques which come under the branch of mathematics called trigonometry. So we can find the height. Here the boy can find the height of the minar by using the mathematical techniques which come under the branch of mathematics, that is called as a trigonometry. Here also the girl can find the width of the river by using trigonometry. So what is the definition of trigonometry? Trigonometry, it is the study of relationship between sides and angles of a triangle. So to understand the trigonometry, concept of trigonometry, we'll see some first trigonometric ratios. इसमें पहला है साइन ऑफ एंगल ए. ये देखो इसका फुल फॉर्म रहता है साइन ए, एस आई एन ई, साइन ऑफ एंगल ए, विच इज इन शॉर्ट रिटर्न एज साइन ए. इट इज नॉट सिन ए, इट इज साइन ए, विच इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ साइन ए इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस. सो इसके पहले ये रेशियोज लेने के पहले हम ये ट्राइंगल को समझ लेते हैं. सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज राइट एंगल, एट एंगल बी इट इज 90 डिग्री. नाउ द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ हाइपोटेनियस. तो ए सी हो गया यहाँ पे हाइपोटेनियस ए सी. ठीक है, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सपोज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड करना है. एंगल ए कुछ भी हो सकता है, थीटा भी ले सकते हैं हम, फाइव भी ले सकते हैं, या फिर एंगल ए भी बोल सकते हैं आप. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए. एंगल ए के विथ रिस्पेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं हमको. तो एंगल ए का अपोजिट साइड जो है बी सी, दैट इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड. अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. सो अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर, बी सी इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर. एंड द साइड एडजेसेंट टू बी सी, इस बी सी को एडजेसेंट साइड कौन सा है? ए बी. सो ए बी इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड और बेस. ठीक है, अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड कर रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस. तो अभी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए, विच इज साइन ए. आपको लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा एंगल आप फाइंड कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो हम यहाँ पे अक्यूट एंगल ले रहे हैं ए. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. तो हमने लिया है साइन ए. साइन ए इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो अपोजिट साइड को हमने बोला है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस को लिया है एच. तो आता है बी सी बाय ए सी. इसमें अगर देखेंगे तो अपोजिट साइड है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी, तो बी सी बाय ए सी. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कोसाइन ऑफ एंगल ए. कोसाइन ऑफ एंगल ए, इन शॉर्ट इट इज रिटन एज कॉस ए, विच इज रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. सो एडजेसेंट साइड को वी कॉल इट एज बेस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इट इज कॉस ए. कॉस ए का रेशियो है बेस है ए बी अपॉन ए सी. देन टेंजेंट ऑफ एंगल ए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेन ए. टेन ए जो रहता है ये दोनों का रेशियो है, दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए. साइन ए क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस ए है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है. सो वी गेट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी. नाउ ये तो सीधे रेशियोज हो गए, अभी इसके रेसिप्रोकल्स देखते हैं, इनवर्स रेशियो. तो साइन का इनवर्स रहता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए. कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोसेक ए.
कोसेक ए इट इज द इनवर्स ऑफ साइन, साइन का उल्टा, दैट इज वन अपॉन साइन, इट इज कॉल्ड एज कोसेक, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, दैट इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी. Then secant of angle A, secant of angle A it is also called as sec A, which is equals to 1 upon cos A, which is equals to hypotenuse upon adjacent side, that is AC upon AB. Then inverse of tan A it is cot A, cot A equals to 1 upon tan A. So tan A kya tha? Sin A upon cos A tha, uska reciprocal aa jayega cos A upon sin A, which is equals to adjacent side upon opposite side, that is equals to AB upon BC. तो अभी इन शॉर्ट इसको ध्यान रखने के लिए यहाँ से मैंने फिर से बताया आपको, साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन ए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का ऑपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है इनवर्स कोसेक, कोसेक इक्वल्स वन अपॉन साइन, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका इनवर्स हो जाएगा. कॉस का इनवर्स है सेक, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन का इनवर्स है कॉट, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अभी देखो ये थोड़े रेशियोस लर्न करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा याद रखना, तो एक सिंपल ट्रिक है जिस तरीके से आप याद रख सकते हैं. तो ये देखो S फॉर साइन, C फॉर कॉस और T फॉर टेन है, P फॉर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है. तो ये देखो इसको किस तरीके से याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स पर्पल ब्लैक, ठीक है. तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स पर्पल ब्लैक, तो आपको फर्स्ट रेशो लर्न हो जाते हैं, फिर उसके आप बाकी उसके इनवर्स रेशो वैसे याद हो जाते हैं आपको, ठीक है. नाउ टू अप्लाई दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विल सॉल्व द एग्जाम्पल वन. सो एग्जाम्पल वन में दिया है टेन ए इक्वल्स टू 4/3, सो वी हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. तो टेन ए इक्वल्स टू 4/3 दिया है, टेन ए क्या था, टेन मतलब टर्न्स पर्पल ब्लैक, ठीक है, टेन ए इज टर्न पर्पल ब्लैक. तो ए लिया है तो ए एक्यूट एंगल लेना है आपको, ए का ऑपोजिट साइड जो रहेगा वो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड रहेगा बेस, ठीक है. तो यहाँ पे बेस बी सी अपॉन ए बी यह रहेगा, टेन इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, विच इज इक्वल्स टू 4/3. ये रेशियो में दिया है इसलिए हमको एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, सो वी गेट बी सी इक्वल्स टू 4k एंड ए बी इक्वल्स टू 3k. सो बी सी मालूम है, ए बी मालूम है, बाय यूजिंग पाइथागोरस विल फाइंड ए सी. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस ये हमने ए सी फाइंड किया, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25k², तो ए सी आता है 5k. सो नाउ वी हैव फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो पहला है साइन, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन ए सी, तो ये आता है 4k/5k, तो आता है 4/5. फिर है कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस ए इक्वल्स टू बी अपॉन एच, तो ये आता है 3/5. देन साइन का ऑपोजिट है 10, ऑलरेडी दिया हुआ था तो 10 ही फाइंड किया है. देन साइन का ऑपोजिट आता है कोसेक, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आता है 5/4. फिर कॉस का ऑपोजिट है सेक, तो दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 5/3. और टेन का रेसिप्रोकल है कॉटे, कॉटे इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल्स टू 3/4. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल इट इज गिवन साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, सो वी हैव टू फाइंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू. फाइंड नहीं करना है यहाँ पे, प्रूफ करना है. वी हैव टू शो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू. टू प्रूफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, साइन बी दिया था साइन क्यू दिया था. तो पहले हमने ए बी सी लिया, यहाँ पे एंगल बी एक्यूट एंगल लिया है, और दूसरा ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, यहाँ पे एंगल क्यू एक्यूट दिया है, ठीक है, एक्यूट एंगल लिया है. तो अभी फाइंड करना है साइन बी. तो साइन बी क्या आ जाएगा, साइन मतलब सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी का ऑपोजिट साइड जो रहेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे ए बी, ए सी, ए सी अपॉन ए बी. साइन क्यू, क्यू का परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर, तो ये आ जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, पी आर अपॉन पी क्यू. नाउ यहाँ पे आपको दिया है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, इट इज गिवन. तो साइन बी क्या था, ए सी अपॉन ए बी इक्वल साइन क्यू क्या था, पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है. तो ए सी अपॉन ये क्या किया हमने यहाँ पे, एस पी आर को इधर लेके गए, ए बी को इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये इन दोनों की जगह चेंज कर दी, यहाँ पी आर लेके आए, यहाँ पे ए बी लेके आए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो चेंज कर सकते हैं. तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, दैट इज इक्वल्स टू इसको दिया के, वी कॉल दिस इज इक्वेशन वन.
ठीक है, तो ये देखो दोनों भी एसी अपॉन पी आर भी इक्वल्स टू के है, ए बी अपॉन पी क्यू भी इक्वल्स टू के है, तो दोनों को इक्वल टू के किया है. फिर वी हैव फाउंड द इक्वेशन ऑफ ए सी, सॉरी वैल्यू ऑफ ए सी, ए सी इक्वल्स टू है के पी आर और ए बी इक्वल्स टू है के पी क्यू. ठीक है, नाउ अभी देखो हमने ए सी कौन से रेशियोज फाइंड किए, ए सी बाय पी आर एंड ए बी बाय पी क्यू. अभी हमको थर्ड रेशियो शो करना है बी सी अपॉन क्यू आर, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू के, इसको भी इक्वल्स टू के शो करना है आपको. ठीक है, थर्ड रेशो को तो हमने क्या किया, अभी बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, बी सी और क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है आपको. तो बी सी देखो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर. ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर. वैसे ही क्यू आर स्क्वायर क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर. ठीक है, तो बी सी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा. सो वी गेट रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और क्यू आर आता है रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. अभी देखो ए बी का वैल्यू क्या है, के इंटू पी क्यू, तो यहाँ पे रखा के पी क्यू होल स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू है के पी आर, तो के पी आर होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. तो इसको स्क्वायर किया दोनों भी तरफ तो के स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन निकलता है, के स्क्वायर कॉमन निकाला, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. ठीक है, तो के स्क्वायर का रूट के बाहर कर लिए तो के रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो वी गेट बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू के. ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, जैसे हमने शो किया था. ठीक है, तो ट्राइंगल आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. नाउ इन एग्जाम्पल थ्री इट इज गिवन ट्राइंगल ए सी बी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, एंगल सी पे 90 है. सो वी हैव टू फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो आपको यहाँ पे ए बी दिया है 29 और बी सी दिया है 21, तो हमने पाइथागोरस लगा के ए सी फाइंड किया. ठीक है, पाइथागोरस लगा के ए सी फाइंड किया. फिर अभी आपको देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो पहले हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यूज फाइंड किए. साइन थीटा मतलब सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा है, थीटा का ऑपोजिट साइड जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि साइन थीटा दिया है तो थीटा का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर. तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी हमने फाइंड किया था 20 अपॉन ए बी दिया है 29. वैसे कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन ब्राउन है साइड बी सी है, बी सी अपॉन ए बी, ब्राउन हेयर दिया है बी सी दिया है 21, 21 अपॉन 29. तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये दिया है 21 बाय 29 होल स्क्वायर प्लस 20 बाय 29 होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व किया तो वी गेट 1. वैसे ही आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यूज रख के उसको माइनस किया तो वी गेट 41 अपॉन 841. ओके, थैंक यू.